अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। तो आज हम लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। और अम्मी और रियाज जब बाहर गए हैं तो ये रूम पे वैसे भी कोई आ रहा नहीं था, तो मैं बोला कि आज थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता हूँ। तो थोड़ा एनर्जी मिलती है यहाँ पर यार फूड रेस वाली, तो हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम पास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम लोग ना फोटो फ्रेम बना रहे थे। ओ, जीरत ने बनाई थी ना आपा के लिए बर्थडे वाला, तो हम लोग भी ट्राई कर रहे थे अपना। एकदम वैसा वाला नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट ट्राई कर रहे थे, तो जिसमें मैंने ऐसे ऐसे फ्लावर्स बनाए हुए। देखो अभी भी चालू है, काम चालू है, लेकिन ना यहाँ पर कैसा गर्म भी बहुत होता है। हाँ। तो इसलिए मैं बोला चल थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते, फिर जाते हैं। अभी यूसुफ भी उड़ गया तो हम लोग नीचे भी जाने वाले, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ आप लोगों को हम लोग ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो ये देखो ऐसा पेपर वाला रोल बनाए थे, उसके बाद यहाँ पर इसको बना के सूखने के लिए रखे, दिख रहे अभी ये सूखने के लिए रखे। अब उसके बाद यहाँ पर कलर मारने वाले, ये कलर मारेंगे हम लोग, और ये फ्लावर्स को भी हम लोग जो है कलर मारेंगे। हम लोग ने फ्लावर्स बनाए हैं, देखो ये देखो छोटे छोटे से फ्लावर्स बना ले। तो मतलब हम लोग थोड़ा सा क्राफ्टिंग चालू है। यूसुफ उठ गया, जा तू यूसुफ को लेकर आ, है ना। तो जब तक वो सूख रहा है, वो सूखने के बाद मैं करने वाला हूँ उस पर पेंटिंग, कलर करने वाला हूँ उस पर। थोड़ा टाइम लगने वाला है, बहुत देर से एक्चुअली सूख रहा है यार ये। ये देखो सूख गया है ऑलमोस्ट अभी, है ना। थोड़ा टाइम लग गया इसको सूखने में, अभी ये सूख गया है। अभी इस पर मैं पेंट करने वाला हूँ। कौन सा कलर मारूँ? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर अच्छा लगेगा। मार के आता हूँ, मारता हूँ फटाफट, देखते हैं। और मैंने अपना ये कलर कर दिया है, एक्चुअली ये फ्रंट है। हाँ, तो ये अपना फ्रेम कलर हो चुका है, वाटर कलर किया है इस पर, तो भी शेड्स आ रहे हैं इस पर भी। देखो अभी आगे का काम पेंडिंग है, हो जाए तो उसके बाद देखते हैं भी कैसा बनता है। ये हम लोग का ट्राई था कि क्राफ्टिंग में कैसा हो सकता है, हम लोग कुछ कर सकते या नहीं, हम लोग ट्राई करना चाहते थे। देखो ये यहाँ पर बैठ के कलर मार रही है, गरीब औरत। और ये फूल बना दिए, देखो इसने फूल बना दिए इतने सारे। अब वो उस पर लगाएगी, फिर फोटो लगाएगी। देखो मैं बता दूँ आप लोगों को कौन सा फोटो हम लोग का ये वाला फोटो के लिए फ्रेम बन रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम फ्री मिला तो उसको ये करने का था, मतलब ठीक है कर ले भाई, अब वो करते बैठिए। देखो अभी कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली इसमें। ये हम लोग ने पहले ऐसा ये पेपर रोल बनाए, ठीक है, फिर ये रोल बनाने के बाद इसको भी सुखाए, उसके बाद उसको बॉन्डिंग करके ऐसा फ्रेम बनाए, उसको भी सुखाए, फिर कलर करा अभी मैंने, अभी उसको सुखा रहा हूँ। बहुत लेंदी वर्क है यार, बहुत लेंदी है। अभी ये देखो ये पेपर बना रही है, अभी इसको भी सूखने के लिए इस पर कलर जो जा रहा है ना, वाटर कलर वाला काम है ना, और वाटर कलर वाला काम जिधर पे भी रहेगा ना उधर पे लेंदी होता ही है। पहले हम लोगों ने फेविकोल लगा के उसको बॉन्ड किए, तो फिर उसमें टाइम चले गया, अभी वाटर कलर लगा के उसको और सुखा रहे, उसके बाद ये उस पर क्लिप लगेगा, देखते हैं। बहुत मेहनत वाला काम है भाई, मेरे तो पसीने छूट गए। तो यहाँ पर नूर के फूल रेडी हो गए, आठ फूल बनाने थे, आठ फूल यहाँ बना, छः फूल बनाने थे, तो छः फूल यहाँ बन के रेडी है। अब वो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका भी आगे, कि इस पर क्या करेगी वो। ठीक है, तेरे को लगता है नूर अच्छा बनेगा? कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये क्राफ्ट वाली बंदी है, शादी के बाद एक्सपीरियंस देखते इसका कैसा रहा है। ये पहली बार कर रही ना शादी के बाद? हाँ। पहले करती थी बहुत? हाँ, पहले घर पे बहुत सारे ये कलर मैं मारा हूँ, एकदम तबाही तबाही कलर मारे, है ना। हाँ। वाटर कलर ऐसे ही रहता है। आप लोगों के घर में से कौन कौन करता है जरा कमेंट करके बताना, अभी तक किसने कितने बार तबाही मचाई है, करने के लिए कुछ और गए, हुआ कुछ और। इसी के साथ मुझे याद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिस लोगों ने अभी तक नहीं किया है फटाफट करो। और मैंने ना 4 से 5 नाम सोच के रखा है, मैं थोड़ा बता दूँ आप लोगों को। देखो एक है क्रेजी शेरा, अभी जैसे कि मेरे नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है, घर पर शेरू बोलते तो इसलिए शेरा मेरे दोस्त लोग भी बहुत जन बोलते, तो उसमें से एक नाम मैंने सोचा था क्रेजी शेरा। ठीक है, अभी एक है फन टाइम विद सरफराज, एक है फन विद फराज, फन विद फराज, अभी सरफराज का आधा फराज है। मैं कुछ नाम बन रहा हूँ, ये देखो कुछ इस तरह इसका, ये देखो ये चल रहा है। हाँ रे, अच्छा दिख रहा, कुछ इस तरह या फिर कुछ इस तरह, नहीं वो तीन तीन वाला ज़्यादा अच्छा था, त्रोण त्रोण
एक माँ बे बे माँ त्रोण। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लुकिंग नाइस। हाँ अम्मी ये ब्लॉग देखेंगे अजमेर से, बोलेंगे क्या था भाई मचा ले मेरे स्ट्रीट फूड जायका पे। देखो हम लोग ने यहाँ पर टेबल पे पूरा पेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है अम्मी टेंशन मत लेना साफ कर देंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि कितने लोगों ने तबाही मचाई है, और मेरा चैनल का नाम क्रेजी सरफराज फन टाइम विद शेरा फन विद फराज, और क्या था और भी कुछ था एक दो और है। चलो ये मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि अभी चैनल का नाम कुछ ऐसा रहना चाहिए। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ पसंद आया तो ज़रा बताना, नहीं पसंद आया बिंदास बोलना बकवास है भाई, तो अपन कुछ और सोचेंगे, है क्या नहीं। ये बंदी बहुत बिजी आज, बहुत देख ना एकदम, देखो लेवल देखो इसका क्राफ्टिंग का, क्राफ्टिंग का लेवल देखो एकदम डूब गई है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं रात को हर 3-3 बजे तक बैठ के क्राफ्टिंग करती थी इनके लिए, इनके लिए गिफ्ट मतलब मेरे लिए क्रिएटिविटी होता था। हाँ। तो मैं सोच के क्रिएट करके फिर देती थी इनको। तो आज फिर इसके अंदर वो वाला भूत आया है, आज फिर बोल रही है मैं करूँगी और कर रही है बंदी, नॉट बैड शी इज ट्राइंग सो हार्ड। अरे बहुत मेहनत हो गई ना, अंदर से सोच रही थी कि मैंने शुरू क्यों क्यों, मैं ये पागल हूँ जो मैं यहाँ पर आई। नहीं वैसे सोच रही हूँ काश मैंने अकेले किया होता। हाँ वो तो मैं हूँ साथ में, तो फिर काम तो बढ़ना ही है ना। अभी पहली बात तो मेरे को क्राफ्टिंग आती नहीं है, फिर भी मैं आया बोला चल तेरा सपोर्ट करता हूँ, थोड़ी हेल्प करता हूँ। और कितने देर से हेल्प कर रहा था ये ब्लॉगिंग, तो अभी मैं बोला चल थोड़ा बोर हो गया मैं ब्लॉग बनाता हूँ अपना, इसलिए मैं ब्लॉग चालू किया, नहीं तो मैं तो अपना लगा पड़ा था उसके साथ ही। देखो देखो ये देखो शुड आई गो वन यहाँ पे भी लगाओ ऐसे प्लस, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कुछ और कर कलर वलर के साथ, है ना है ना। अभी कैसा लगा आप लोग भी बताना ज़रूर, है ना। पसंद आया तो अपने घर पे ट्राई करना, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, खरीद के भी सकते, खरीद के भी बना सकते, लगा सकते अपने घर पे, ठीक है। अभी थोड़ा इसको पूरा कंप्लीट कर देते, अभी इसके बाद और क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा इसने सोचा नहीं है, मैं कुछ करूँ मैं कुछ करूँ मैं कुछ करता हूँ, देखते देखते ब्रश पे वाइट कर ले और ब्रश से ऐसा छींटे मार पूरे पूरे पे, तेरे फ्लास्क को छोड़ के। हाँ गाड़ी रहने दे, छींटे गाड़ी में ही उड़ेगी, पानी पानी हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा है ना। हाँ ठीक है मेरे रहते हुए और अच्छा हो सकता था, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यहाँ पर नीचे कौन है, अरे ये नीचे क्या कर रहा है, ये नीचे क्या कर रहा है, कोई बात नहीं हमारे पास और वाइट कलर है। हाँ आप निकला ना असली कलर, ठीक है। हाँ तो हमारे पास है और वाइट कलर, ये क्राफ्टिंग का शौक, इसने क्राफ्टिंग का सामान है ना सब घर में भर के रखी है, छींटे मारने के ऐसा नहीं रे, ऐसा उंगली से बोला था नहीं होएगा, ये करके दे ऐसा। हाँ अब समझे पांडे जी, देखिए आइडिया कैसा लगा बता। वेरी बैड। ए देखो ये यूसुफ है गाड़ी जो गाड़ी चला रहा है हम लोग, ये टेबल की क्यों, ये वाटर कलर है ना, मैंने ब्लैक कलर से कवर करने की कोशिश किया इसको तो, लेकिन वाटर कलर है तो अंदर का पेपर तो व्हाइट था तो वो झलक रही है, तो क्यों ना फिर ब्लैक एंड व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन दे दे इसको, तो थोड़ा अच्छा दिख के भी आएगा, है ना। अभी एक और आइडिया दो तेरे को, अभी सेम चीज कर रेड के साथ, लेकिन रेड का एकदम कम रख उसके अंदर, जो तेरा फ्लावर्स का कलर है ना वो उठ के आएगा उसमें, एक नंबर लग रहा अभी, पहले से तो बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सरफराज। अरे पार्टनर तू वहां से जाता तो यहाँ उड़ा रही है, अम्मी बहुत गाली देगी तेरे को। फिर अभी ये रेड वाला कर हल्का हल्का, ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन अब अच्छा दिख रहा है ना, तबाही। नो नीचे खेल रहा है, गाड़ी बन गई है उसकी टेबल। अच्छा मैं रेड देता हूँ, है ना इधर पे भी तो रेड, ये तो रेड है, ये डी हल्का हल्का, ये बहुत कम चाहिए। हाँ हाँ
क्या हुआ, क्या हुआ पापा, क्या हुआ? उसकी अम्मी उसको उठा रही नहीं ना, इसलिए वो थोड़ा रो के नाटक करता है। कुछ हुआ नहीं उसको, मेरी नजर उस पर ही है। देखो नहीं, ये वैसा वाला नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, नहीं खराब नहीं कर दिए, वो छींटे वैसे नहीं आ रहे ना। हल्का बोले ना, तो हल्का मार। अच्छा काश। अब जरा ले इसको फ्रंट को उठा इसको। अब फ्रेम उठा के दिखा मस्त, एकदम तड़कता भड़कता। गिरेगा तो नहीं ना कुछ हवा में? हवा में, हाँ हवा में, हवा में, क्योंकि ये बैकग्राउंड में अच्छा नहीं दिखेगा। रुक जा, फोटो भी खींचता हूँ मैं। मस्त रे, अच्छा तो दिख रहा है। फाइनली ये बन गया है, और कैसा बना है मजरा दिखा दूं आप लोगों को। होममेड फ्रेम जो कि नूर ने बनाई है, बहुत ही अच्छा बनाई है। अभी इसको हैंड नहीं करेंगे, दोनों ने बनाया, दोनों का दिमाग है, हाँ, दोनों का आइडिया है। आइडिया मेरा था, मेन वाला, मेन मेहनत मेरी थी। ऐसा बोल सकते तो है। देख लो आप लोगों को जरा नजदीक से दिखा दूं। ये देखो, ये पूरा पेपर वर्क है, ठीक है, उसके बाद पेपर के फ्लावर्स है और लेमिनेट की भी हम लोग की मनाली की सबसे अच्छी वाली तस्वीर है, ठीक है। और थैंक्स टू मी, इतना अच्छा बनाया मैंने। थैंक्स टू अगेंस्ट मी कि मैंने मेहनत की नूर के साथ। थैंक्स टू अगेंस्ट मी, समझ रहे हो ना, सब यही करते, समझ रहे हो ना। ठीक है चलो फिर गाइस, ये वीडियो बनाऊंगी, इनके हेल्प में यहीं पे क्लोज करते हैं वीडियो को। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, बाय।